हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्टूडेंट डीकेएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लासेस में स्टूडेंट, मैं नीट की डिस्क्रिप्टिव क्लास में आज आपको बताने जा रहा हूँ C3 साइकिल और C4 साइकिल का डिफरेंस। C3 साइकिल और C4 साइकिल, एज इनटू द लास्ट लेक्चर इन द मॉर्निंग सेशन आई हैड डिस्क्राइब अबाउट द C3 साइकिल केल्विन साइकिल। इन द केल्विन साइकिल आई हैड डिस्क्राइब अबाउट द व्हाट इज द पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन विच इज प्रेजेंट इन टू द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। केल्विन वॉज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड अबाउट द पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन विथ द हिज को वर्कर बेटसन एंड ही वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन 1961। तो 1961 की वो स्टोरी को हमने स्टूडेंट मॉर्निंग सेशन में डिस्कस किया था। इसको जानने के लिए हमारा मॉर्निंग सेशन का वीडियो देखिए, क्लास नंबर 61। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से क्वेश्चन होते हैं जो केल्विन साइकिल से बनते हैं और वो कहां कहां के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। दूसरी बात हम आपको बताएंगे C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल इट इज आल्सो नोन एज द HSK पाथवे और HSK साइकिल एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय द हाइटस्लैक एंड कॉर्टस्लैक। दो साइंटिस्ट ने मिलकर के उन्होंने ये बोला कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जो साइकिल होती है वो C3 साइकिल नहीं होती बल्कि C4 साइकिल होती है, यानी 4 कार्बन कंपाउंड बनते हैं। अब स्टूडेंट, खास बात ये है कि जो लोग भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इसको क्या करिए, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए और हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल पे बने रहने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं और आप लोग जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में धीरे धीरे मशगूल होते जा रहे हैं और बीच में होली का त्यौहार है तो होली में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होना स्वाभाविक है। तो जब डिस्टर्बेंस होता है तो उस डिस्टर्बेंस में ऐसा नहीं कि एकदम से डिस्टर्ब हो जाइए, खूब खा पी लीजिए, खूब नशा कर लीजिए और सो जाइए, क्योंकि छोटी सी भी डिस्टर्बेंस भी आपके टारगेट को हटा सकती है। तो उससे हटने के लिए आपको चैनल जो है रात में सोने के टाइम जरूर देखिए, हमारे वीडियोज वहाँ पर प्रेजेंट होंगे और जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए तो मेरा एक थैंक यू, थंबनेल तो बनता ही है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या चीजें ऐसी जहां से नीट का क्वेश्चन बन सकता है और वो नीट के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, आइए दिखाते हैं हम आपको। देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो है कहां पर कि अगर आप देखते हैं कि जो केल्विन साइकिल है, कौन सा साइकिल है, केल्विन साइकिल को अगर आप देखिए तो केल्विन साइकिल में आपको जो पिक्चर दिखाई देता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। ये केल्विन साइकिल का स्ट्रक्चर है। केल्विन साइकिल में अगर आप देखते हैं, इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। और ये डार्क रिएक्शन कैसी है स्टूडेंट, कि आपको यहाँ पर राइट है, ये दिखाती है, बताती है कि हियर इज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। आप इसको साफ साफ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कहाँ पर होता है, यहाँ पे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करता है, RuBP एक्सेप्ट करता है एंड RuBP बाय द कार्बोक्सिलेस प्रोसेस ये बनाता है 3 कार्बन कंपाउंड। इसके बीच में एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, वो अनस्टेबल कंपाउंड क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। उसके बाद ये फास्फोराइलेशन प्रोसेस में जाता है और फास्फोराइलेशन से फिर ये क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस में आता है, फिर ट्रायोजेज यानी 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है जो सिंथेसिस की प्रोसेस में जाती है। तो ये पिक्चर को हमने आपको दिखाया था, बताया था, आज इसी पिक्चर पे हम बताएंगे कि नीट का क्वेश्चन कैसा बनता है। आइए हम लोग जानते हैं नीट का क्वेश्चन कैसे बनेगा और नीट के क्वेश्चन में क्या क्या चीजें होंगी जो आपको दिखाई देंगी। इस बोर्ड पे अगर आप ध्यान से देखिए तो बोर्ड में हम यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें ये बन सकती है और कैसे ये साइकिल चलती है। जरा साइकिल का हम लोग ये फ्लो चार्ट देखते हैं कि फ्लो चार्ट में कैसे बनेगा। पहला तो इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा, ये CO2 जो है ये बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा RuBP से, किसे बाइंड करेगा, RuBP से बाइंड करेगा। RuBP से बाइंड करने के बाद ये क्या बनाता है, ये बनाता है स्टूडेंट अनस्टेबल कंपाउंड। क्या बनाता है, अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है राइट है, अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। अनस्टेबल कंपाउंड कितना बनता है और कैसा होता है, ये 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये कैसा होता है, 6 कार्बन वाला होता है और ये 6 कार्बन वाला होता है और कितने मॉलिक्यूल बनता है, ये बनता है 12 मॉलिक्यूल। कितना बनता है, ये 12 मॉलिक्यूल बनता है राइट है, सॉरी अनस्टेबल कंपाउंड होता है ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड फिर क्या होता है, यहां से ये 6 कार्बन कंपाउंड फिर किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है
थ्री कार्बन कंपाउंड में, किसमें कन्वर्ट करता है? थ्री कार्बन कंपाउंड, और उसका नाम है PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बोलते हैं, थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड, PGA इसका शॉर्ट नेम है। और ये कैसा होता है, ये थ्री कार्बन कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड जो है थ्री कार्बन होता है, और टोटल इसके 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कितने बनते हैं, 12 मॉलिक्यूल बनते हैं। स्टूडेंट आप इसको ध्यान रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सिक्स कार्बन का, ये कितने मॉलिक्यूल लगते हैं, सिक्स कार्बन लगते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये कितने मॉलिक्यूल लगते हैं, सिक्स मॉलिक्यूल लगते हैं, सिक्स RUBP लगता है, और ये RUBP अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। अनस्टेबल कंपाउंड क्या होता है, सिक्स कार्बन कंपाउंड, सिक्स कार्बन होता है जो तुरंत ये हाइड्रोलाइसिस के जरिए, किसके जरिए, हाइड्रोलाइसिस के जरिए किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्री PGA थ्री कार्बन कंपाउंड 12 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टूडेंट पहली स्टेप हुई, ये क्या है, पहली स्टेप हुई। कहीं पर अगर कोई दिक्कत है तो उसको आप करेक्ट भी कर लीजिए, जैसे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कंपाउंड यहाँ पे गलत हो गया है, तो इसको आप सही कर लीजिए, कंपाउंड को काट करके यहाँ पे आप कंपाउंड सीधा सीधा लिख लीजिए, राइट है, कंपाउंड बनता है। और ये कंपाउंड जो होता है कैसा होता है, थ्री कार्बन कंपाउंड होता है, सॉरी सिक्स कार्बन कंपाउंड होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब ये थ्री PGA बना, तो ये स्टेप पहली स्टेप हुई, ये फर्स्ट स्टेप हुई, और फर्स्ट स्टेप में ये पहला स्टेप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। इस चीज को हमने स्टूडेंट आपको बताया कि पहले स्टेप में कार्बोक्सिलेशन होगा। यहां पर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उस एंजाइम का नाम है RUBP कार्बोक्सिलेट, या रूबिस्को बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रूबिस्को, रूबिस्को जो होता है RUBP कार्बोक्सिलेट एंजाइम होता है, राइट है। तो ये जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है, और ये अबंडेंट एंजाइम होता है, सबसे ज्यादा मिलने वाला एंजाइम होता है, जिसको हम अबंडेंट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, रूबिस्को को, राइट है। तो रूबिस्को जो है सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन है, और इस प्रोटीन को हम जो है ज्यादा से ज्यादा पाते हैं, क्यों ज्यादा से ज्यादा पाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन जो होती है वो कैसी है, वो प्रोटीन सबसे ज्यादा प्लांट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, और क्लोरोप्लास्ट में होने की वजह से, क्लोरोप्लास्ट में होने की वजह से ये प्रोटीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धरती पे पाई जाती है। तो इसको नीट का जो एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन क्या है कि रूबिस्को कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसका नाम है रूबिस्को, क्या नाम है उसका, रूबिस्को, ये एबंडेंट एंजाइम है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, राइट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है रूबिस्को। अब देखिए दूसरी स्टेप स्टार्ट होती है, दूसरी स्टेप क्या है स्टूडेंट, दूसरी स्टेप में हम जाते हैं, दूसरी स्टेप क्या हो सकती है, देखिए दूसरी स्टेप में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दूसरी स्टेप की दूसरी रिएक्शन होगी, वो दूसरी रिएक्शन का नाम मैं यहाँ पे बताता हूँ, इस सेकेंड रिएक्शन क्या हो सकती है, सेकेंड रिएक्शन है यहाँ पे, राइट है, कि इसका जो है फास्फोराइलेशन होता है, क्या होता है, फास्फोराइलेशन होता है, यानी थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड, कौन सा, थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये जो मॉलिक्यूल बना था थ्री PGA, थ्री PGA ये कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-DiPGA में, किसमें कन्वर्ट होता है, 1,3-DiPGA, उसका नाम क्या है, 1,3-DiPGA में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, 1,3-DiPGA में कन्वर्ट होता है, इसको डाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, DiPGA में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है, यहां पे कन्वर्जन के लिए फास्फोराइलेशन होता है, क्या होता है, फास्फोराइलेशन होता है, डाई फास्फोग्लिसरेट डाइड में, किसमें कन्वर्ट होता है, DiPGA में कन्वर्ट होता है, यहां पे फास्फोराइलेशन होता है, ATP मॉलिक्यूल, किसमें, कितने मॉलिक्यूल, ये 12 ATP मॉलिक्यूल इसमें लगते हैं, और इससे बनता क्या है, इससे बनता है जो है 12 ADP, क्या बनता है इसमें, 12 ADP बन जाता है, क्या बन जाता है इसमें, 12 ADP बन जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ, फास्फोराइलेशन का फॉर्मेशन हुआ, डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, क्या बनता है, डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो जरा आप ध्यान से देखिए कि क्या क्या बना यहाँ पे, डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बना, पढ़ गया डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, वो डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड
हेलो, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। और डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या होता है कि ये एटीपी की वजह से बनता है। तो जो एटीपी है वो एटीपी क्या करता है, इसमें काम करता है। एटीपी क्या करता है, इसमें काम करता है, और उस एटीपी की वजह से ये फॉर्मेशन होता है। राइट स्टूडेंट, तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। और एटीपी जो है कहाँ पर, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। राइट स्टूडेंट, तो एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। कैसे होता है, जब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये एटीपी जो है, कौन सा, ये वाला एटीपी, ये एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोराइलेशन होता है। तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि सेकेंड रिएक्शन में ये क्या बन गया, एटीपी से एडीपी बन गया। क्या बन गया, एटीपी से एडीपी बन गया। तो एडीपी का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हो जाता है डाइफॉस्फो। अब इसका सेकेंड रिडक्शन पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन में हम देखते हैं, रिडक्शन में हम देखते हैं कि रिडक्शन में इसका जो पार्ट होता है वो आप देख सकते हो कि रिडक्शन ये कैसे होता है। राइट है स्टूडेंट, तो जरा इसमें सेकंड पार्ट में देखिए रिडक्शन कैसे हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है ये कि जब ये डाई पीजीए है, क्या है, डाई पीजीए है, जो डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पे, ये फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं PGAL। किसमें बोलते हैं, PGAL में कन्वर्ट होता है। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, PGAL में कन्वर्ट हो गया। PGAL में कन्वर्ट होने के बाद, PGAL में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है। और रिडक्शन में Na, क्या नाम है इसका, NADPH क्या बनता है, NADPH जो होता है ये रिड्यूस होता है NADP में। किसमें ये रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन का प्रोसेस होता है, रिड्यूस हो जाता है NADP में ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये टोटल लगते हैं यहाँ पे कितने, 12, कितने लगते हैं, 12 मॉलिक्यूल लगते हैं। कितने लगते हैं यहाँ पे, ये 12 मॉलिक्यूल लगते हैं यहाँ पे। और ये भी यहाँ पे कितना लगता है, ये भी 12 ही लगता है, 12 होता है। तो जो फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा कन्फर्म हुआ, और आप इसको देख सकते हैं कि फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। तो NADPH से क्या बन गया यहाँ पे, NAD बन गया। और इसमें भी जो प्रोसेस हुई वो इसी तरीके से प्रोसेस हुई कि आपका ये चीज़ यहाँ से, ये रिडक्शन की प्रोसेस। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरीडाइड होता है, ये हमने आपको सुबह में बताया था कि ये सीधा सीधा सिंथेसिस में जाता है। किस में जाता है, सीधा सीधा सिंथेसिस में जाता है। और सिंथेसिस में जाकर के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो अगर हम इस स्टेप को यहाँ से देखें कि ये पीजीए जो है, कौन सा पीजीए, ये जो पीजीए है वो पीजीए किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो पीजीएल बना, क्या बना, पीजीएल बना, ये पीजीएल ये सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में बाय रिवर्ट प्रोसेस के द्वारा। किस में कन्वर्ट होता है, इसमें कैसे होता है, इसमें बनता है जो है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP बनता है। और ये DHAP जो है ये फिर से, ये दोनों कैसी शुगर है, ये दोनों ट्रायोज शुगर है, ये दोनों आपस में एक साथ में बदलती रहती हैं। फिर PGAL से और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट से रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस होता है यहाँ से, यानी ग्लाइकोलाइसिस को प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 बाई फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरिन एल्डिहाइड बनता है। तो आपका अगर ग्लाइकोलाइसिस याद है स्टूडेंट, तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू आप जा सकते हो और यहाँ पे क्या बनता है, ये ग्लूकोज बन जाता है जिसको हम सिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। मेरे ख्याल से आप बातें आपको समझ में आ गई। और ये स्टेप कैसी है, रिवर्स, आप इसको बोलते हैं रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस हो गई, और रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में ये फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, जिससे जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिंथेसिस।
अब रीजनरेशन के प्रोसेस में ये जो पीजीएल बनता है ये कितना बनता है, ये बनता है टोटल 12 मॉलिक्यूल। कितना बनता है? 12 मॉलिक्यूल बनता है, ये 12 मॉलिक्यूल बनता है। और 12 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल इसमें जाते हैं? दो मॉलिक्यूल यहाँ पे किस में जाते हैं? ग्लूकोज सिंथेसिस में जाते हैं। कितने जाते हैं? टू मॉलिक्यूल ये जाएंगे ग्लूकोज सिंथेसिस में, और रेस्ट ऑफ द 10 मॉलिक्यूल, ये 10 मॉलिक्यूल जो होते हैं, कितने मॉलिक्यूल? 10 मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये 10 मॉलिक्यूल जाते हैं किसमें? ये जाते हैं रीजनरेशन के प्रोसेस में। किसमें जाते हैं? रीजनरेशन के प्रोसेस में। तो 10 मॉलिक्यूल ये जाएंगे रीजनरेशन के प्रोसेस में। इसको हम आपको बताते हैं कि ये रीजनरेशन में कैसे जाते हैं, तो आइए देखते हैं कि रीजनरेशन प्रोसेस इनकी कैसी होगी। तो 10 मॉलिक्यूल में क्या हो गया? अब 10 मॉलिक्यूल PGAL कितने हैं? 10 मॉलिक्यूल PGAL क्या है? PGAL ये 10 मॉलिक्यूल PGAL से बनता क्या है? तो पहले यहां पे क्या बनता है? इरिथ्रोज शुगर बनती है। क्या बनती है? इरिथ्रोज शुगर बनती है, जो 4 कार्बन शुगर होती है उसका नाम क्या है? इरिथ्रोज। ये 4 कार्बन शुगर बनती है। कितने कार्बन शुगर है? 4 कार्बन शुगर है, 4 कार्बन की शुगर है। उसके बाद इरिथ्रोज से क्या बनेगा? फिर इरिथ्रोज से बनेगा यहाँ पे सीडोहेप्टुलोज। क्या बोलते हैं उसको? सीडोहेप्टुलोज सीडोहेप्टुलोज बनती है। ये जो होती है वो 7 कार्बन शुगर होती है। कैसे होती है? 7 कार्बन शुगर है। सीडोहेप्टुलोज के बाद फिर जो है क्या बनता है? सीडोहेप्टुलोज के बाद बनता है RUMP। RUMP जो है ये 5 कार्बन शुगर है। ये कैसी है? 5 कार्बन शुगर है। क्या होती है? 5 कार्बन शुगर है। फिर RUMP से आफ्टर फास्फोराइलेशन क्या बनता है? RUBP बनता है। ये भी 5 कार्बन शुगर होती है। कैसे होती है? 5 कार्बन शुगर होती है। और ये 5 कार्बन शुगर क्या होती है? ये 5 कार्बन शुगर ये कैसे बनती है? ये बनती है स्टूडेंट, ये कैसे बनती है? ये बनती है बाय द फास्फोराइलेशन प्रोसेस से। अब देखिए यहाँ पे पहले तो इरिथ्रोज बनी, इरिथ्रोज से फिर क्या बना? सीडोहेप्टुलोज बना। सीडोहेप्टुलोज से क्या बना? RUMP बना। RUMP से RUBP बना। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि ATP 6 ATP, हाउ मेनी मॉलिक्यूल? 6 ATP मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होकर के क्या बना लेते हैं? 6 ADP। कितना? 6 ADP बनाते हैं। तो यहाँ पर इनका फास्फोराइलेशन होता है, और ये फास्फोराइलेशन जो है वो किस तरीके से होता है? वो इस तरीके से आता है जिससे RUBP बनता है। अब स्टूडेंट ये कंफर्म हो गया कि RUBP ये वही मॉलिक्यूल है जो मॉलिक्यूल क्या करता है? CO2 से बाइंड करता है। तो ये रीजनरेशन की प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ये रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, इसको रीजनरेशन का नाम दिया गया है। और ये रीजनरेशन की प्रोसेस होती है जिसको हम रीजनरेशन नाम देते हैं। तो रीजनरेशन आपको समझ में आ गया, या हमने रीजनरेशन बताया। उसके बाद हमने आपको क्या बताया? हमने आपको यहाँ पर क्या बताया? सिंथेसिस की प्रोसेस बताया। ये सिंथेसिस की प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है? सिंथेसिस होती है। हमने आपको सिंथेसिस की बात किया, सिंथेसिस होगा, क्या होगा? सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये सिंथेसिस की बात हो गई। और इसके पहले हमने आपको फर्स्ट स्टेबल यानी कार्बोक्सिलेशन की बात किया। ये कार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बोक्सिलेशन। ये कार्बोक्सिलेशन की बात किया हमने। और यहाँ पर हमने रिडक्शन की बात किया। किसकी बात किया? रिडक्शन की बात किया। फॉर दिस वन, फॉर इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, ये रिडक्शन की बात होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म हो गई आपको कि रिडक्शन हमने बता दिया, कार्बोक्सिलेशन बता दिया, राइट है? रिडक्शन बता दिया, कार्बोक्सिलेशन बता दिया, आपको सिंथेसिस बता दिया, सिंथेसिस बता दिया, और इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बता दिया? रीजनरेशन बता दिया। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन विच वॉज गिवन बाई द साइंटिस्ट मेलविन केल्विन एंड द बेटसन। सो फॉर दिस वन दे वेयर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन टू द 1961। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1961 में जो मिला उसका निष्कर्ष क्या था, और नीट के कैसे सवाल आएंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो नीट के कैसे सवाल आएंगे,
नीट के सवाल जानने के लिए आपको क्या करना है कि आपको स्टूडेंट यहाँ पे बने रहना है, चैनल पे बने रहना है, और फिर आप देखिए कि नीट के सवाल कैसे आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ नीट के सवाल कैसे आते हैं। आइए देखिए जरा, हम यहाँ आप लोग यहाँ पर जो नीट का क्वेश्चन है वो नीट के क्वेश्चन को हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आ सकता है। फिर से एक बार साइकिल को देखिए आप, फिर से एक बार आप साइकिल को देखिए। ये साइकिल में देख रहे हैं आप कि यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन और सिंथेसिस चारों प्रोसेस बताई गई है। तो सवाल यहाँ पे आएंगे कि कहाँ से वो नीट का क्वेश्चन बन सकता है, नीट का क्वेश्चन कहाँ पे बन सकता है उसमें हम बता रहे हैं। पहला स्टेप देखिए, कार्बोक्सिलेशन की बात है कि कार्बोक्सिलेशन में बन सकता है। कार्बोक्सिलेशन में कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लगते हैं वन ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे उसका आंसर बन सकता है। दूसरा आंसर क्या बन सकता है, अगर ये फास्फोराइलेशन होता है तो कितने टाइम फास्फोराइलेशन होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देख करके, डायग्राम को देख के आप बताएंगे कि कितने टाइम फास्फोराइलेशन हो सकता है। मैं जहां तक समझता हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बन सकता है कि दो टाइम फास्फोराइलेशन होता है। एक बार होता है जब पीजीएल से पीजीएल बनता है, यानी फास्फोराइलेशन रिडक्शन साथ साथ होता है। दूसरा तब होता है जब आरयूएमपी आरयूबीपी में कन्वर्ट होता है, आरयूएमपी आरयूबीपी में कन्वर्ट होता है तो वहां पे हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि कितने मॉलिक्यूल टोटल बनता है पीजीएल, तो टोटल पीजीएल कितने मॉलिक्यूल बनता है, 12 मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें से दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज की सिंथेसिस में जाता है और बाकी के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, वो रीजनरेशन में चले जाते हैं। रीजनरेशन में कौन सी ऐसी शुगर है जो 7 कार्बन की होती है, तो सीडोहेप्टुलोज है। कौन सी 5 कार्बन की है, तो आरयूएमपी है। यानी ये सारे सवाल बन सकते हैं। उन सारे सवाल को मैं एक साथ में लिखता हूं और स्टूडेंट इसको देखिए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन जो केल्विन साइकिल को जिस पे पुरस्कार मिला था उसको आप सॉल्व कर पाओगे, उसको आप ध्यान से देखो। वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जो है केल्विन को इसमें पुरस्कार मिला। केल्विन को पुरस्कार के लिए खास बात ये थी, केल्विन के पुरस्कार के लिए खास बात ये थी कि केल्विन सर ने क्या किया कि पूरा उसकी समरी बनाया, पूरा कॉन्क्लूजन बनाया, कॉन्क्लूजन बनाया और कॉन्क्लूजन से ही सवाल आएंगे। तो कॉन्क्लूजन में उन्होंने लिखा कि कितना फॉर सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्या लिखा उन्होंने कॉन्क्लूजन में कि फॉर सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होगी उसको उन्होंने बताया। तो उसको उन्होंने क्या बताया, आप देखिए कि कैसे बताया कंक्लूजन में, इसका कंक्लूजन क्या था। उन्होंने बोला ये कि सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितनी जरूरत होगी, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए पहले तो क्या होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, कितना लगेगा, 6 CO2 लगेगा। दूसरा उन्होंने बताया 6 CO2 लगेगा। दूसरा उन्होंने बताया कि इसमें 18 ATP लगेंगे, 18 ATP लगेंगे। तीसरा उन्होंने बताया कि 12 NADP DPH लगेगा, राइट है। चौथा उन्होंने बताया कि यहां पर जो है 12 मॉलिक्यूल PGAL प्रोड्यूस होता है, और इसके बाद टू मॉलिक्यूल जो होते हैं ये सिंथेसिस में जाते हैं, कहां पे जाते हैं, सिंथेसिस में जाते हैं, राइट है। और 10 मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होते हैं, वो रीजनरेशन में जाते हैं। 10 मॉलिक्यूल किस में जाते हैं, वो रीजनरेशन में जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट उन्होंने सारी बातों को यहाँ पे कह दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इसका जो कंक्लूजन है, 6 CO2 रिक्वायर होता है, 18 ATP रिक्वायर होता है, 12 NADPH रिक्वायर होता है, और 12 मॉलिक्यूल्स PGAL जरूरत होती है, 2 मॉलिक्यूल सिंथेसिस में जाता है, 10 मॉलिक्यूल रीजनरेशन में जाता है, राइट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये कंक्लूजन था और उस कंक्लूजन के हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो और आप बनाओगे। अब ये जो सवाल बनेंगे वो सवाल के स्टेप को एक बार फिर से देखते हैं तो वो स्टेप कहाँ कहाँ आता है, वो स्टेप कहाँ कहाँ आता है और उस स्टेप में क्या क्या चीजें होती है। तो जरा देखिए स्टेप फिगर में, स्टेप आप देखिए जरा यहाँ पे, स्टेप ये बता रहा है कि CO2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। RUBP फर्स्ट एक्सेप्टर होगा, इसको आप हमेशा ध्यान दीजिए। PGA जो है पहला स्टेबल कंपाउंड होगा जो 3 कार्बन शुगर है।
और ट्रायोज PgAl जो है, जो नीचे रिडक्शन के बाद बनता है ट्रायोज, वो कैसा होता है कि 12 मॉलिक्यूल बनते हैं, हेक्सोज के लिए 2 मॉलिक्यूल की जरूरत है, बाकी का 10 जो होता है RUBP के फॉर्मेशन में हो जाता है। तो हमने क्लियर कट क्राइटेरिया बताई स्टूडेंट, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि आप जो है अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और इसी काम के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला था केल्विन सर को, उनके साथ में बेटसन को भी, क्योंकि वो उनके साथ में दोनों लोग काम कर रहे थे, उनको नोबेल प्राइज मिला। अब आगे के स्टेप में क्या है, ये तो हो गया स्टूडेंट हमारा जो है आज का क्वेश्चन आंसर जो आप कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर करने के बाद, क्वेश्चन आंसर करने के बाद अब आगे हम आज लेते हैं कि आगे कौन से सवाल आ सकते हैं। तो ये C3 साइकिल की बात हो रही थी, इसमें पहला स्टेबल कंपाउंड जो था फास्फोग्लिसरिक एसिड था, पहला स्टेबल कंपाउंड क्या था, फास्फोग्लिसरिक एसिड जो थ्री कार्बन कंपाउंड था, इसलिए इसको C3 साइकिल बोला गया। C3 साइकिल के थ्रू डार्क रिएक्शन जो होती है हर प्लांट में होती है, बट व्हाट हैपेंस इन टू दोज प्लांट्स विच है डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट एनाटॉमी, लीफ एनाटॉमी। उस लीफ एनाटॉमी का नाम क्या है, क्रॉन्ज लीफ एनाटॉमी। क्या नाम है उसका, क्रॉन्ज लीफ एनाटॉमी है स्टूडेंट, क्या नाम है उसका, क्रॉन्ज लीफ एनाटॉमी है। तो क्रॉन्ज लीफ एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं कि क्रॉन्ज लीफ एनाटॉमी क्या होती है, क्रॉन्ज लीफ एनाटॉमी क्या होती है, आइए हम उसको जानना चाहते हैं कि क्रॉन्ज लीफ एनाटॉमी क्या होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे लीफ की बात करें, तो लीफ में जो है, लीफ की एनाटॉमी में, लीफ एनाटॉमी में क्या होता है कि एक ही तरीके का क्लोरोफिल होता है, कोई भी नॉर्मल लीफ होता है उसमें क्लोरोफिल क्या होता है, एक ही तरीके का होता है। उस क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और स्ट्रोमा भरे होते हैं। तो नॉर्मल लीफ में क्या होता है कि नॉर्मल लीफ जो होती है उसमें, नॉर्मल लीफ में क्या होता है कि उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है नॉर्मल लीफ में, उसमें ग्राना प्लस स्ट्रोमा दोनों होता है। क्या होता है, ग्राना प्लस प्लस स्ट्रोमा दोनों होता है, बोथ आर द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बोथ आर द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ग्रामा भी होगा उसमें और स्ट्रोमा भी होगा। अब आपको ये चीज यहाँ पे स्टूडेंट पता है कि ग्राना और स्ट्रोमा राइट है, ग्राना और स्ट्रोमा ये दोनों क्लोरोप्लास्ट के पार्ट हैं, दोनों क्या है, क्लोरोप्लास्ट के पार्ट हैं। अब जब ये दोनों क्लोरोप्लास्ट के पार्ट हैं तो होगा क्या उसमें, लीफ एनाटॉमी में दोनों क्लोरोप्लास्ट के पार्ट है, तो नॉर्मल लीफ में क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्या रहता है कि ग्राना और स्ट्रोमा दोनों रहता है, ग्राना और स्ट्रोमा दोनों रहता है। लेकिन क्रॉन्ज लीफ एनाटॉमी में, अगर हम क्रॉन्ज लीफ की बात करें जिसमें क्रॉन्ज एनाटॉमी होती है, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉन्ज एनाटॉमी, क्या बोलते हैं, क्रॉन्ज एनाटॉमी में ऐसी लीफ होती है जिसमें, जिसमें क्या होता है अगर हम इसकी बात करते हैं राइट है, क्रॉन्ज एनाटॉमी की बात करते हैं, तो इसमें जो होता है दो टाइप की सेल्स पाई जाती है, कितने टाइप की सेल्स पाई जाती है, दो टाइप की सेल्स पाई जाती है। एक सेल ऐसी होती है जिसको हम नाम देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मीसोफिल सेल बोलते हैं, कौन सी सेल बोलते हैं, मीसोफिल सेल्स बोलते हैं राइट, मीसोफिल सेल्स बोलते हैं। और दूसरी टाइप की सेल्स पाई जाती है जिसको हम बंडल सीड सेल्स बोलते हैं, कौन सी सेल बोलेंगे उसको स्टूडेंट, बंडल सीड सेल, दूसरी टाइप की सेल्स कौन सी है, बंडल सीथ सेल, बंडल सीथ सेल राइट है, इनको हम क्या बोलते हैं, बंडल सीथ सेल्स बोलते हैं। तो दोनों टाइप की सेल्स में अंतर क्या होता है, मीजोफिल सेल्स जो होती हैं ये बाहर साइड में होती हैं, ये क्या होती है, बाहर साइड में होती है, और इसमें क्या होता है, मीजोफिल सेल्स में सिर्फ ग्राना होता है, स्ट्रोमा नहीं होता, और बंडल सीथ सेल में क्या होता है कि ग्राना नहीं होता, स्ट्रोमा होता है। यानी ये जो दो पार्ट है, कौन कौन से दो पार्ट, ये वाले दो पार्ट, ग्राना और स्ट्रोमा राइट है, इसमें अलग अलग पाए जाते हैं, इनके क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस होने की वजह से, जैसे मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट का कैरेक्टर क्या है, ये छोटा है, क्लोरोप्लास्ट स्मॉल, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा इसमें, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, स्मॉल होगा, क्या होगा, स्मॉल होगा, और सिर्फ ग्राना होगी, इसमें क्या होगा,
ग्राना, विथ ग्राना, क्लोरोप्लास्ट स्मॉल होगा, विथ ग्राना होगा, विथ विथ ग्राना, इसमें क्या होता है, ग्राना होता है, राइट है। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट लार्ज होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें जो होता है वो लार्ज होता है, लार्ज होता है, और विदाउट ग्राना होता है। कैसा होता है? विदाउट ग्राना, विदाउट ग्राना। तो इसमें ग्राना नहीं पाया जाता। अब देखिए इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें दोनों में अंतर आ गया। बंडल सिस्सल जो होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट बड़े बड़े होते हैं, विदाउट ग्राना होती है। इसमें मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट छोटे होते हैं, विथ ग्राना होती है। यानी इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है, इसमें स्टूडेंट क्या होता है, इसमें सिर्फ स्ट्रोमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विदाउट ग्राना का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रोमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्ट्रोमा पाया जाता है, राइट, स्ट्रोमा पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो स्ट्रोमा पाया जाता है। इसलिए कैसा होता है कि ये सेल्स जो होती है स्ट्रोमा होने की वजह से इसमें जो है डार्क रिएक्शन चलेगा, इसमें क्या चलेगा, डार्क रिएक्शन चलेगा, और इसमें क्या चलेगा, लाइट रिएक्शन चलेगा, क्योंकि इसमें ग्राना पाई जाती है। और इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है, इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम क्या है, उस कंपाउंड का नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्या नाम है उसका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नाम है, जिसको हम शॉर्ट में OAA भी बोलते हैं। ये जो है ये फोर कार्बन कंपाउंड, ये कैसा है, ये फोर कार्बन कंपाउंड होता है। फोर कार्बन कंपाउंड होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर कार्बन कंपाउंड होता है। और फोर कार्बन कंपाउंड होने की वजह से जो साइकिल है उस साइकिल का नाम भी क्या है, C4 साइकिल, उसका नाम क्या दे दिया, C4 साइकिल। ये C4 साइकिल किस में पाई जाती है, ये उस प्लांट में पाई जाती है जो प्लांट कैसे होते हैं, वो ट्रॉपिकल होते हैं, और उसमें जो एनाटॉमी है वो अलग अलग होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन से ऐसे प्लांट हैं जिसको C4 प्लांट कहते हैं, उनको हम टेम्परेट प्लांट की बात कहते हैं। टेम्परेट प्लांट कौन से प्लांट हैं यहाँ पे, जो गर्मी में पैदा होते हैं। मसलन उसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है शुगर केन, शुगर केन, इसके अलावा मेज है, क्या है, मेज है। इन सब में जो है कैसा होता है कि C4 साइकिल चलती है। ये जो साइकिल है C4 साइकिल, जिसको हम HSK साइकिल भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, HSK साइकिल भी कहते हैं, ये इसमें चलती है। तो C4 साइकिल का एक यहाँ पे इसको हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, HSK साइकिल, HSK पाथवे, HSK पाथवे कहते हैं इसको हम, HSK साइकिल कहते हैं। तो ये जो साइकिल है C4 साइकिल, शुगर केन और मेज प्लांट में ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है। अब इसमें होता क्या है, ये किस तरीके से चलता है वो हम आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से चलता है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अगर आप डायग्राम को देखें, किसको देखें, डायग्राम को देखें, तो डायग्राम को देखने पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक क्रेंज एनाटॉमी आपको दिख रही है। ये क्रेंज एनाटॉमी का एग्जाम्पल है, जब डायग्राम को देखिए, क्रेंज एनाटॉमी में देखते हैं तो दोनों टाइप की सेल दिखाई दे रही है, दोनों टाइप की सेल्स दिखाई दे रही है, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। उसके साथ में यहाँ पे वैस्कुलर बंडल बीच में सेंटर में दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वैस्कुलर बंडल दिख रहा है। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो है बंडल सीड सेल दिखाई दे रही है, जिसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और उसके चारों तरफ मेसोफिल दिखाई दे रही है जिसमें स्मॉल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो हमने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट की पोजिशन कैसी होती है। अब जो स्मॉल क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे है, विथ ग्राना है, जो लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो लार्ज क्लोरोप्लास्ट है विदाउट ग्राना है, जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बल्कि उसमें क्या होता है, रिएक्शंस हो सकती है। ये बंडल सेल्स वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाई जाती है। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम को देखें, अगर हम डायग्राम को देखें स्टूडेंट, तो डायग्राम में आपको इस तरीके से दिखाई देगा, डायग्राम को अगर आप देखिए तो डायग्राम में इस तरीके से दिखाई देगा कि ये जो सेल्स है, कौन सी सेल्स, ये जो सेल्स है इस तरीके से, यहां पर बीच में अगर हम देखते हैं यहां पे, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं जो इधर दिखाई देती है, किधर दिखाई देती है, बंडल सी सेल्स यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। कैसी दिखाई देंगी, ऐसा 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 दिखाई देंगे, राइट है। ये मेसोफिल्स हम आपको दिखा रहे
सॉरी बंडल शीट सेल दिखा रहे हैं, बंडल शीट सेल जो होती है इस तरीके से, और यहाँ पे बीच में क्या होता है, बीच में होता है वैस्कुलर बंडल, बीच में क्या होता है वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम होता है, राइट। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे बाहर के साइड में मीजोफिल्स दिखाई देती है, ऐसी बड़ी बड़ी सेल्स दिखाई देती है, राइट है, बाहर के साइड में। और ये हो गया ऊपर का एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, राइट है, अपर एपिडर्मिस हो गया। नीचे का लोअर एपिडर्मिस हो जाता है, लोअर एपिडर्मिस हो जाएगा, इधर सेल्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, बड़ा क्लियर है कि क्राउन एनाटॉमी में दो टाइप की सेल्स दिखाई देती है। ये हो गया वैस्कुलर बंडल जो बीच में दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये जो वैस्कुलर बंडल बीच में दिख रहा है, ये बंडल सीट सेल्स हैं, और ये क्या है मीजोफिल सेल्स होती है जो बड़ी बड़ी होती हैं। ये सेल्स कैसी होती है, बड़ी बड़ी होती है, इलांगेटेड सेल्स होती हैं। तो ये डायग्राम में भी आपको देखने को मिला, जो डायग्राम हमने आपको यहाँ पे दिखाया, कौन सा डायग्राम दिखाया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये डायग्राम दिखाया जो डायग्राम में आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो सेल्स बनी है, वो जो सेल्स दिख रही हैं, उन सेल्स में सबसे खास बात ये होती है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट, जो नीट का क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है, क्या है क्लोरोप्लास्ट जो है, वो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट बंडल सीट सेल में जो होता है वो लार्ज होता है, बट उसमें ग्रेना नहीं होती है, उसमें सिर्फ स्ट्रोमा होता है। और जो मीसोफिल सेल्स है, मीसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट छोटा होता है लेकिन ग्राना होता है, इसलिए ये ऑब्जर्व करता है। तो लाइट रिएक्शन दो पार्ट में हो गई, लाइट रिएक्शन क्या हो गई, दो पार्ट में हो गई। दो पार्ट में कैसी लाइट रिएक्शन दिख रही है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें इस एचएस के पथवे में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर क्या होता है, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड होता है। क्या होता है, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड होता है। फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड जो होता है वो कैसा है, वो थ्री कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, थ्री कार्बन कंपाउंड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके क्या बनाता है, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनाता है जो फोर कार्बन कंपाउंड बनता है। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बना, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बना। ये पूरी प्रोसेस कहां पे चलती है, ये चलती है मीजोफिल वाले क्लोरोप्लास्ट में। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड क्या होता है, ये फिर से रिडक्शन की प्रोसेस में जाता है, राइट है, ये रिडक्शन होता है, इसका रिडक्शन होता है, NADP इसको जो है रिड्यूस कर देता है, राइट है। और सॉरी ये क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ NADP ये कन्वर्ट होता है किसमें, मैलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड जो होता है मीजोफिल सेल से ये इंटर मारता है, किसमें जाता है, ये इंटर करता है बंडल सीट के क्लोरोप्लास्ट में, और मैलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है, और डीकार्बोक्सिलेट होकर फिर से पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। पाइरुविक एसिड अगेन इंटर करता है मीजोफिल सेल में, और फास्फोराइलेशन के थ्रू फिर से फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड बनाता है। स्टूडेंट अब सवाल यहां पे है कि नीट का क्वेश्चन कहां से बनेगा। तो नीट का क्वेश्चन एचएसके पाथवे में पहले तो नाम आता है कि C4 पाथवे क्या है, और उसको किस साइंटिस्ट ने दिया। दूसरी बात यहां पे आती है कि इसमें कार्बन का फिक्सेशन कहां पे होता है, व्हिच इज द फर्स्ट कंपाउंड विच रिसीव टू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम आपको लिख करके बताते हैं कि कौन सा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिसीवर है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन सा एंजाइम है जो उसमें हेल्प करता है कार्बोक्सिलेशन में, उसको बोलते हैं PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। वहां पर रुबिस्को कार्बोक्सिलेज होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज होता है, यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेज होता है। तो सारी बातों को मैं डिटेल्स में आपको बताता हूँ, आप इसको देखिए और चैनल में बने रहिए, इसको देखते रहिए। आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से होता है। पहला तो इसमें क्या होता है कि CO2 फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि CO2 ये बाइंड करता है PEPA से, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड से, और ये बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज, और ये बनाता है ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। क्या बनाता है, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनाता है। PEPA ये जो है थ्री कार्बन कंपाउंड है, ये कैसा है, थ्री कार्बन कंपाउंड है, राइट है। और ये जो है ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, ये जो है वो फोर कार्बन कंपाउंड है, कैसा है, ये फोर कार्बन कंपाउंड है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे PEPA के एंजाइम कौन सा है, PEPA
कार्बोक्सिलेज, क्या नाम उसका, कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। ये PEPA कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है कि इसकी प्रेजेंस में ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। दिस वन इज द फर्स्ट रिएक्शन, ये कैसी रिएक्शन है, पहली रिएक्शन है जो HS के पाथवे में होती है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर ये कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, यहाँ पे NADP क्या है, NADP से क्या बनता है, NADP से ये बन जाता है NADPH, क्या बन जाता है NADPH बन जाता है, NADPH बन जाता है। NADPH का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और ये जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, यहाँ पे ऐसी रिएक्शन होती है। मैलिक एसिड यानी इसका जो फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट, किसका, इसका जो फॉर्मेशन हुआ मैलिक एसिड का, ये मैलिक एसिड, ये पूरी की पूरी रिएक्शन चलती है मीसोफिल सेल में, किस में चलती है, आप इसको ऐसा कर लीजिए राइट है, ये कहाँ पे चलती है, ये मीसोफिल सेल्स में चलती है, पूरी की पूरी रिएक्शन कहाँ पे चलेगी, मीसोफिल सेल्स में राइट। तो मीसोफिल सेल्स में ये पूरी की पूरी रिएक्शन चलती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मीसोफिल सेल्स में ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन चलती है राइट है, वो कौन सी रिएक्शन है। तो जरा देखिए आप यहाँ पे मीसोफिल में ये बनेगी, ये रिएक्शन कहाँ पे चल रही है, मीसोफिल सेल्स में चल रही है, यानी ये पूरा का पूरा रिएक्शन किस में चला, मीसोफिल में चला, किस में चला, मीसोफिल में चला राइट है, मीसोफिल सेल्स में चलती है ये पूरी की पूरी रिएक्शन। अब मीसोफिल सेल के बाद ये जो मैलिक एसिड यहाँ पे दोस्तों बना, ये मैलिक एसिड सीधा सीधा कहाँ पे आता है, ये आता है बंडल सील सेल में, कहाँ पे आता है, बंडल सील सेल में, बंडल सील सेल में स्टूडेंट क्या हो जाता है, इसका मैलिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है पाइरूविक एसिड में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूविक एसिड में। यहाँ पे हम मैलिक एसिड की बात करेंगे, मैलिक एसिड आया यहाँ पे और मैलिक एसिड ये डीकार्बोक्सिलेशन में जाता है, किसमें जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन में जाता है और डीकार्बोक्सिलेशन से ये मैलिक एसिड जो यहाँ पे बना ये डीकार्बोक्सिलेशन में जाएगा राइट, किसमें जाएगा स्टूडेंट, ये डीकार्बोक्सिलेशन में जाएगा और डीकार्बोक्सिलेशन में जाकर के ये क्या बनाता है, पाइरूविक एसिड बनाता है, क्या बनाता है, पाइरूविक एसिड बनाता है। और जिस समय ये पाइरूविक एसिड बनाता है उसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान यहाँ पर CO2 रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है, जिस CO2, ये CO2 इंटर कर जाता है, किसमें इंटर करता है, ये इंटर करता है जो है, ये इंटर करता है मीन्स सिंथेसिस के लिए इंटर होता है, केल्विन साइकिल में इंटर करता है, ये कहाँ पे इंटर करता है, केल्विन साइकिल में, और केल्विन साइकिल से ये क्या बना देता है, केल्विन साइकिल में इंटर करता है और केल्विन साइकिल में ये क्या बना देता है, ये बना देता है केल्विन साइकिल के थ्रू, ये बनाता है ग्लूकोज, क्या बनाता है वो, ग्लूकोज बनाता है राइट है। तो ये केल्विन साइकिल के थ्रू जा करके ये बना देगा आपका ग्लूकोज बन जाता है राइट है, ये ग्लूकोज बन जाता है, क्या बन जाता है यहाँ पे, ग्लूकोज बन जाता है। तो ये जो साइकिल है ये केल्विन साइकिल C3 साइकिल ही है जैसे पहले साइकिल चली थी, लेकिन इसमें कैसा होता है कि अलग से दो बार यहाँ पर, कितनी बार, दो बार यहाँ पे कार्बन का फिक्सेशन होता है स्टूडेंट, एक बार तो यहाँ पे होता है फर्स्ट टाइम में, दूसरी बार कहाँ पे होता है, यहाँ पे सेकेंड टाइम में यहाँ पे होता है राइट है, दो बार कार्बन का फिक्सेशन होता है। और फिर ये पाइरूविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, PEPA में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, PEPA में, किस में कन्वर्ट होता है, PEPA में कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, इसमें फास्फोराइलेशन होता है और यहाँ पर ATP से ADP बनता है, क्या बनता है, ATP से ADP का फॉर्मेशन हो जाता है, ADP का फॉर्मेशन हो जाता है राइट स्टूडेंट।
तो ये जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को आपको अच्छे से समझना है, और फिर से ये पीईपी ये फिर कहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है प्रोसेस में, राइट, यहाँ पे वो प्रोसेस में पहुंच जाता है। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे फास्फोराइलेशन होता है। क्या होता है? फास्फोराइलेशन होता है। तो ये पूरी की पूरी स्टेप हमने स्टूडेंट दिखाया। ये जो प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होगी? बंडल सीथ सेल में होगी। कहाँ पे होगी? बंडल सीथ सेल में होगी। बंडल सीथ सेल में होगी। बंडल सीथ सेल जो है उसमें ये प्रोसेस चलती है। तो आपने देखा है यहाँ पे स्टूडेंट की एक प्रोसेस जो है वो बंडल सीथ सेल में चल रही है, और दूसरी प्रोसेस किसमें चल रही है? वो दूसरी प्रोसेस किसमें चल रही है? वो जो है मेसोफिल सेल में चल रही है। कहाँ पे चल रही है? मेसोफिल सेल में चल रही है। तो दोनों की दोनों प्रोसेस जो है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। पहली रिएक्शन जो होगी वो यहाँ पे चलेगी, दूसरी बंडल सीथ पे चलेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जो पेप कार्बोक्सिलेज है यहाँ पे, ये पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है, पेप कार्बोक्सिलेज, राइट है, ये एंजाइम जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसका सेम फंक्शन होता है जैसा फंक्शन किसका होता है, जैसा फंक्शन उसका होता है, इसका रोबिस्को का होता है। इसमें PEPA जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है, और ये 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं व्हिच इज द स्टेबल कंपाउंड, कौन सा स्टेबल कंपाउंड है जो बनता है और कौन उसको रिसीव करता है। तो दोनों पे सवाल आ सकता है, ये कितने कार्बन कंपाउंड है? ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये कितना है? 4 कार्बन कंपाउंड है। फिर बंडल सीथ सेल में सेकेंड टाइम या फिर सवाल जो आता है, सवाल पूछते हैं कि बंडल सीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन पहली बार होता है कि दूसरी बार होता है? तो कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे ये सेकंड टाइम होता है। कहाँ पे होता है? सेकंड टाइम होता है। पहली बार कहाँ पे होता है? मेसोफिल सेल्स में होता है। तीसरी बात यहाँ पे क्या होता है? पाइरूविक एसिड से पीईपी बनने के लिए फास्फोराइलेशन होता है कि नहीं होता है? तो आपको सीधा सीधा सारी की सारी स्टेप स्टूडेंट आपको क्या होनी चाहिए? क्लियर कट याद होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेप क्या है, कहाँ पे क्या हो सकता है। अगर आप इसको नहीं देख पाते हो, अगर आप इसको नहीं देख पाते हो तो आपको कैसा है कि फिर आपको जो है स्टूडेंट, तो आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे जो है जो भी प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस को आपने समझा देखा। आपसे मैं यहाँ पे कहता हूं कि अभी ये जो कंपटीशन के क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चंस हैं, वो नीट के क्वेश्चन कैसे हैं कि आपको वहाँ पे बनाने की जरूरत है। अगर आपने ध्यान से इसको देखा है, ध्यान से समझा है, तो आप नीट के क्वेश्चन बना सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, उसकी स्टेप से याद नहीं है, तो निश्चित है आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लासेस में हमने आपको C3 साइकिल C4 साइकिल का पूरा डिटेल बताया, और इसके बाद ये भी बताया कि किस तरीके से आप उसके सवाल बता सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आप सवाल में जाइए और आप सवाल करते रहिए। आज के चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। कुछ अगर परेशानियां होती है तो उसको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के लिए आपका स्वागत है। आप वीडियो को देखिए, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।